तो खुरापते करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका जवाब कड़ाई से मिलेगा। ये मनमोहन सिंह की और कांग्रेस की सरकार नहीं है हमारी। वी डोंट वांट वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, वी वांट पीस, बट एट द सेम टाइम वी हैव जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने अगर ये बंद नहीं किया तो पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनमोहन की सरकार चुपचाप रहती थी, अगर गर्दन काटने के बाद में चार फरवरी को गर्दन काटेंगे तो वेरी इंटरेस्टिंग रिस्पांस फ्रॉम द फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट, यू कांट बिहेड आवर सोल्जर्स एंड एक्सपेक्ट अस टू सिट बैक। आई थिंक मिस्टर गडकरी इज ग्रोसली मिस्टेकन। If there is, first of all, Pakistani Prime Minister made a good gesture by congratulating Mr. Modi. But if Mr. Modi or BJP, they back Mr. Modi and they come up with a strategy of launching a strike into Pakistan under a false pretense of some, Daud Ibrahim or some other, terrorist group doing something against India allegedly, I think I could tell you one thing. Pakistan is a nuclear state. Mr. Peer Raza ji ko India ki strength pata nahi hai kya? अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन से तो हमारे पास नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान, तो हम शांति चाहते हैं। आर न्यूक्लियर स्ट्रेंथ इज एब्सोल्युटली इक्वल टू दैट ऑफ इंडिया। ये धमकी मनमोहन सिंह के सरकार को दीजिए, हमको मत दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। आपकी यही मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपकी यही मिसअंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान इस बात को पावरफुल है कि दे विल बी एबल टू वाइप आउट न्यू दिल्ली एनी टाइम इफ थ्रेटन्ड। मिस्टर पीर राजा, तीन बार लड़ाई में आपकी हालत क्या हुई आपको याद है ना? शिमला आना पड़ा था ना, भूल गए क्या हिस्ट्री? आपको याद नहीं है क्या? डिस्टॉर्टिंग द फैक्ट, यू आर डिस्टॉर्टिंग द फैक्ट। बंगाल द केस ऑफ द बंगाल लड़ाई में क्या हुआ वो हिस्ट्री याद नहीं है क्या? नो, दैट इज अ डिस्टॉर्शन। सब बातें दैट इज अ डिस्टॉर्शन। तो ये बातें कर रहे हैं, ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, हमारी सरकार है। देखिए आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है आपने क्या कहा है। बांग्लादेश का बंदा, बांग्लादेश के लोगों की गर्दन जहां तक 65 की जंग है, इसका संबंध नहीं आ सकता। एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर दी थी, आपकी एयरफोर्स तबाह कर दी थी, उसके बारे में आप बता सकते हैं? आप झूठ बोलते हो। पाकिस्तान नया बना था, लेकिन आज का पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। डोंट वरी अबाउट द डे व्हेन यू मेक द मिस्टेक ऑफ अटैकिंग पाकिस्तान, द रिस्पॉन्स विल बी वेरी लीथल। जहां तक वो बंबई के अटैक का ताल्लुक है, आपको पता ही नहीं है, या पता है तो आप दोबारा देख लीजिए मजीद मालूमात के लिए, कि बाकायदा मुकदमा चल रहा है और हम देख रहे हैं फैक्ट्स क्या है। क्यों? कि हमारी कोशिश है हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से कोई दहशतगर्दी का हमला ना पहले हिंदुस्तान पर हुआ है ना सर, क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि कसब कहां से आया था? पाकिस्तान में उसके माता पिता, उसके गांव में पाकिस्तानी चैनल गए। पीरजादा साहब अपनी इंटेलिजेंस पूछिए, पीरजादा साहब कहां से गांव में तो पाकिस्तानी मीडिया पहुंची, ऊपर से झूठ बोल था, हमको सिखाते हो शांति की बात, और हमको बोलता है राम आपको बुद्धि दे। पहले आप झूठ बोलना बंद करिए, अल्लाह की कसम खा के। अरे आप इंसानों को पकड़ते हैं, उनका नाम लेते हैं। अरे उसके टेलीफोन पर पाकिस्तान में उसने बात की थी, आप झूठ बोलते हो। अरे इतना झूठ मत बोलो, अल्लाह की कसम खा के सच बोलना सीखो। बोल रहे हैं तुम्हारे जैसा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। आप पाकिस्तान का मुंबई में अटैक करने वाले पाकिस्तानी नहीं थे? आपने क्या वो कराची से आए नहीं थे?